देखते हैं विश्वेंद्र सिंह से बातचीत कर हमारे सहयोगी शिवेंद्र। विश्वेंद्र सिंह जी मौजूद हैं और खबरें ये चल रही हैं मीडिया में कि वो नाराज होकर पीसीसी से बाहर आए हैं। उनकी नाराजगी इसलिए है कि जब आला कमान को निर्णय करना था कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो विधायकों से रायशुमारी क्यों की जा रही है। हमारे साथ खुद विश्वेंद्र जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या ये सही है कि आप नाराज होकर बाहर आ गए? ये बिल्कुल गलत कोट किया मेरे को कि मैं नाराज होकर आ गया, लेकिन मेरी असहमति जरूर है कि जब गहलोत साहब ने प्रपोजल रखा था के आला कमान तय करेंगे और उसका अनुमोदन और समर्थन पायलट साहब और जोशी साहब ने कर दिया, तो मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि एमएलए से राय लेने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एमएलए भी देखिए घबराए हुए हैं इस वक्त जी। जो पहली बार जीत के आए और के कोई उनको मिसकोट ना कर दे या कुछ और ना कर दे। आला कमान ने जो तय फैसला करेंगे वो सब कुछ स्वीकार है, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? तो एक एक से मिलने की ज़रूरत क्या पड़ गई? सर, क्या लग रहा है, क्या बड़े नेता इनसिक्योर हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो उनकी मर्जी के अनुरूप आला कमान नाम नहीं बता दे? नहीं, मेरा ये तो सोचना नहीं है, लेकिन वो तो इनसिक्योर तो नहीं है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि देखिए पारदर्शिता होनी चाहिए। जनता ने एक मैंडेट दिया है जी, और उस मैंडेट को हम जितनी जल्दी उसको सेटल कर सकें और एक नई सरकार बना सकें। आज 7 बजे शायद गवर्नर साहब से मिल रहे हैं बड़े नेता, और मैं तो कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ये पारदर्शिता जनता में आनी चाहिए। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैंने तो अपना एक ओपिनियन बताया। देखिए आप मीडिया वाले माफ करें, मैं आपसे कुछ सब छुपाता नहीं, लेकिन उसको अगर डिस्टॉर्ट करके ये निकाला जाए कि मैं नाराज होकर आएगा तो ये सरासर गलत है। हमने इसीलिए जोड़ा है सर आपको कि सही बात सामने आए जी। सही बात यही है, मेरी असहमति है इससे कि जब हाईकमान पे हमने छोड़ दिया तो फिर विधायकों से क्या पूछना। मुझे याद है एमएलए साहब, जब चुनाव हुए थे तो आप ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने कहा था कि सीएम का चेहरा घोषित कर दो। मुझे लगता है अगर उस समय चेहरा घोषित हो जाता तो आज ये सब नहीं होता। तो क्या आपको लगता है कि उस समय गलती की, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अगर चेहरा घोषित होता तो सीटें भी ज़्यादा आ सकती थी कांग्रेस की? देखिए अब ये तो जो बात गई अब उसको क्या कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना था कि अगर चेहरा घोषित हो जाता किसी का भी तो एक जैसे वसुंधरा जी का चेहरा घोषित किया आखिर बीजेपी ने, और जो भी हालात थे राजस्थान में मैं फिर भी कहूँगा कि बीजेपी ने ऐसा बुरा परफॉर्मेंस नहीं किया, 73 सीटें लेकर आए, और केवल इसी वजह से कि चेहरा घोषित हो गया। तो अगर वहाँ सीटें बढ़ सकती थी तो निश्चित रूप से यहाँ भी बढ़ सकती थी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये पार्टी का जो हाईकमान है निर्णय लिया उसके साथ हूँ मैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर कोई भी चेहरा घोषित हो जाता तो निश्चित रूप से सीटें हम लोग और ज़्यादा ला सकते हैं। मैं सर आपसे जब बात कर रहा हूँ, जब मेरे पास ये सूचना आई ऑफिस से कि पीसीसी के बाहर 2 बैनर भी लहरा रहे हैं जिन पर लिखा हुआ है हमारा उप मुख्यमंत्री कैसा हो, विश्वेंद्र सिंह जैसा हो, मैंने देखा नहीं साहब। और अगर किसी ने बैनर फहराया तो बड़ी कृपा उनकी, मैं तो कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहूँगा। लेकिन अगर पार्टी ऐसा प्रस्ताव देती है, और देना भी चाहिए, जाटों का दबदबा या बड़े नेता है राजस्थान में, अगर आपको प्रस्ताव मिला कि हम उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो आप तैयार हैं? देखिए अव्वल तो मैं आपसे कहा मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो भी दायित्व मुझे दिया जाता है पार्टी द्वारा उसको मैं हमेशा पूरी निष्ठा से उसका निर्वहन करता हूँ। और लेकिन आज ज़रूरत यह है कि हम जल्दी से जल्दी सरकार बनाएं, जिससे कि जो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको हम जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकें। ये बात मीटिंग में भी चल रही थी जी। ये है आपको सर माना जाता है बहुत बेबाक नेता, अब जब इतना घमासान मचा हुआ है, बहुत क्लोज समय है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, आपको क्या लग रहा है विश्वेंद्र जी इस समय कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? नहीं देखिए ये तो मैंने कहा ना हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया गया, हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया गया। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हाईकमान सोच समझ के और सभी नेताओं से बात करके और कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो राजस्थान के हित में हो। आप सर पीसीसी में थे, ऐसी भी खबरें आई हैं कि अधिकतर विधायक सचिन पायलट के समर्थन में, क्या सही है? देखिए ये बिल्कुल मैंने कहना गलत होगा मेरा, ना तो मेरी किसी से बात हुई इस मामले में, और क्योंकि मैं गुटबाजी में विश्वास नहीं करता। मैंने जो हाईकमान कर दिया उन्होंने कह दिया, मेरे गहलोत साहब से बहुत पुराने अच्छे संबंध हैं, सचिन जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, सी पी जोशी साहब से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, मेरे किसी से संबंध खराब नहीं है।
और जो हाई कमान करेंगे वो फैसला हमको सबको मान। आपकी भी लैंड वही है कि आला कमान जिसको मुख्यमंत्री बनाएगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप? ये तो डिसाइड हो चुका ऑलरेडी। हाँ जी, फिर विधायकों का इंटरव्यू किस बात के लिए लिया जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, इस बात पे अटक रही बात। इसीलिए थोड़ा सा रहस्य भी है कि जब आला कमान को प्रस्ताव चला गया विधायकों से भी बात हो रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लंबा खिंच जाए या थोड़ा कोई नया नाम निकल कर सामने आ जाए? देखिए ये बात एक, ये तो खैर काल्पनिक बात है कि नया नाम निकल के आ जाए या कुछ और हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मैं विधायकों से, देखिए हम लोग तो चार बार में सांसद रह लिया, तीन बार विधायक रह लिया, जिला प्रमुख रहे, तो हम लोग 35-30 साल से राजनीति में, हम लोग समझते हैं इस बात को। लेकिन नए जो लोग हैं, फर्स्ट टाइमर जो हैं, उनको थोड़ा डर लगता है कि हमको बुलाया जा रहा है अंदर, हम पर ऐसा नहीं हो शक हो किसने क्या कहा, किसने किस क्या कहा, लेकिन ऐसा कोई ग्रुपिज्म नहीं है। सरकार बनेगी निश्चित रूप से और जिसको हाईकमान तय करेंगे वो बनेंगे मुख्यमंत्री। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हो रहे हैं सर, क्या आप रायसुमारी का हिस्सा बने पीसीसी में? आपसे बात की के वेणुगोपाल और अविनाश पांडे ने। मैं जब आया था तो वेणुगोपाल साहब, अविनाश जी और गहलोत साहब, पायलट साहब, हम लोग बैठे थे 5-7 मिनट, हम लोग बैठे आधा 20 मिनट बैठे होंगे, लेकिन वो ईवीएम्स की बात चल रही थी और आगे और ऐसी कोई बात नहीं चली जिसमें रायशुमारी की बात हो जी। लेकिन फिर मैं ऊपर चला गया और विधायकों के पास सबसे मुलाकात की और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था जी, ऐसा तो कोई वो भी नहीं था। दूसरा ये सर, क्या आज फाइनल हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है राजस्थान का? मुझे लगता नहीं आज फाइनल नहीं हो पाएगा। तो ये हैं विश्वेंद्र सिंह जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और बहुत बेबाकी से फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि जिस तरह का घमासान अभी पीसीसी में चल रहा है उनको नहीं लगता कि आज इसका फैसला होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने यह भी साफ किया है कि वो किसी से नाराज नहीं है और नाराज होकर पीसीसी से नहीं आए हैं, हाँ थोड़े नाखुश जरूर हैं। उनका कहना है कि जब आला कमान को ही प्रस्ताव भेज दिया कि उनको फैसला करना है मुख्यमंत्री कौन होगा तो फिर विधायकों से रायशुमारी करने का मतलब क्या है। कैमरामैन पवन के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।